गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित ऑनलाइन अध्यापन में बच्चों आपका स्वागत है। मैं सीमा यादव न्यू साइन म्युनिसिपल सेकेंडरी से आपका स्वागत करती हूं। और अब हम लोग विज्ञान की क्लास अटेंड कर रहे हैं। आज बच्चों हम लोग विज्ञान का पाठ दूसरा कार्य तथा ऊर्जा इस पार्ट का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं। तो किन किन टॉपिक्स को बच्चों हम लोग की पुनरावृत्ति करेंगे? कार्य तथा कार्य के प्रकार, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की अविनाशिता का नियम, मुक्त पतन और शक्ति। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे ये आकृति देखिए, इस आकृति में लड़की क्या कर रही है? यहाँ पे ये लड़की लिख रही है। ये लड़की क्या कर रही है? कॉपी में कुछ लिख रही है। लड़का गेंद से खेल रहा है। लड़की रिमोट का उपयोग करके टीवी देख रही है। और यह व्यक्ति जो है यह क्या कर रहा है? यह अपने कंधे पर बोझा उठाए हुए है। ठीक है, तो इन सारे ये जो कृतियां हैं बच्चों, इन सभी में हम लोग देख रहे हैं कि कार्य मतलब कोई कुछ न हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से फिजिकल साइंस में बच्चों इन सभी को कब बोला जाएगा कि यहाँ पर कार्य हुआ है? देखिए यहाँ पे ये जो अध्ययन करने वाली लड़की है इसने भी काम किया है, लेकिन इसका जो कार्य है वह क्या है? वह मानसिक कार्य है बच्चों। यह क्या है? मानसिक कार्य है इस लड़की का। यहाँ पे ये लड़की रिमोट का उपयोग कर रही है। ठीक है, रिमोट का उपयोग कर रही है लेकिन बैठ के वह टीवी देख रही है, तो ये भी कार्य कर रही है। लड़का खेल रहा है गेंद से, गेंद का उपयोग कर रहा है, व्यक्ति बोझा ढो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर घटना में कार्य हुआ है, लेकिन भौतिक शास्त्र में बच्चों कार्य की परिभाषा थोड़ी अलग है। वह क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब जहां कहीं भी हम बल लगा रहे हैं तो वहां पर क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए। तो भौतिक शास्त्र में हम लोग बच्चों भौतिक कार्य का विचार करते हैं। फिजिकली हमने कौन सा काम किया है, कहने का अर्थ कि आप जहां बल लगा रहे हो वहां पर उस वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, तो जाके हम लोग उसको कहते हैं कि कार्य हुआ है। तो कार्य की परिभाषा बच्चों क्या हमने पढ़ी है कि किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य हुआ ऐसा हम कहते हैं। परिभाषा का क्या अर्थ है कि जब किसी पिंड पर हम बल लगा रहे हैं तो उसका विस्थापन, एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों एक टेबल मेज का एग्जाम्पल ले लीजिए। मेज को आप खसकाते हैं मतलब उसके ऊपर बल लगा रहे हैं तो वो अपना स्थान क्या करेगी? अपने स्थान से खिसक जाएगी। जितना आप बल लगाओगे उतना वो आगे जाएगी उतने दूर। तो तब वहां पर हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। तो कार्य की बच्चों परिभाषा है बल गुणे अभी इसको गणितीय रूप में हमको व्यक्त करना है। तो क्या है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य को बच्चों डब्ल्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। कार्य मतलब वर्क, तो वर्क का डब्ल्यू, बल मतलब फोर्स तो एफ, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और उसको एस के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस तरह बच्चों ये कार्य की परिभाषा और उसका गणितीय रूप हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्य की इकाई कहाँ किसी भी पिंड ने कार्य किया है ऐसा हम लोग कब बोलते हैं? जब वहां पर हम बल लगा रहे हैं और उसका विस्थापन हो रहा है। तो बल की इकाई क्या होती है बच्चों? न्यूटन, और विस्थापन की इकाई मीटर। तो इसलिए कार्य की इकाई जो होती है बच्चों न्यूटन मीटर होती है, और इसको ही हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो एक न्यूटन मीटर को ही बच्चों जूल कहा जाता है। तो कार्य की इकाई जो होती है वह जूल होती है। जूल जो है वह एसआई सिस्टम में होती है। तो एक जूल को हम कैसे परिभाषित करेंगे? एक न्यूटन बल की क्रिया द्वारा पिंड का बल की दिशा में जब एक मीटर विस्थापन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो एक जूल होता है बच्चों एक न्यूटन मीटर। सीजीएस प्रणाली में
इसकी इकाई क्या होती है बच्चों? अर्ग। अर्ग, अब अर्ग को हम लोग किससे जानते हैं? अर्ग मतलब एक डाइन पर सेंटीमीटर। इसका अर्थ क्या है एक अर्ग का? कि एक डाइन बल लगाने पर अगर कोई पिंड एक सेंटीमीटर विस्थापित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक अर्ग कार्य हुआ। और पर जूल और अर्ग में संबंध आप लोगों को यह जो फाइनल यह इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है जोड़िया मिलाओ में भी रिक्त स्थान में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसका यह संबंध आप लोगों को यह पता होना चाहिए। एक जूल बराबर 10^7 अर्ग होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हो गया बच्चों कार्य के बारे में। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऊर्जा। अब ऊर्जा को समझने के लिए हम कैसे कहेंगे कि अच्छा ऊर्जा से पहले मैं आप लोगों को कार्य के प्रकार के बारे में बता दूं बेटा कि कार्य जो अभी कोई भी कार्य होता है तो उसके तीन प्रकार हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्यात्मक कार्य, शून्य कार्य। तो अगला हम लोग अब ऊर्जा के बारे में देखने वाले हैं। तो ऊर्जा जो है उसके उसको समझने के पहले हम लोग यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं उसको देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पौधा लगाया हुआ गमला अंधेरे में रखने पर मुरझा जाता है। बच्चों कोई भी पौधे की कुंडी है उसको हम अंधेरे कमरे पर जहाँ सूर्य प्रकाश ना पहुंचे उसको 2 दिन वहां पर रख दें और उसके बाद 2 दिन बाद उसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मुरझाया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उसको सूर्य प्रकाश नहीं मिला। जब सूर्य प्रकाश नहीं मिला तो उसने भोजन नहीं बना पाया। कहने का अर्थ की ऊर्जा की निर्मिति वहां नहीं हुई। फिर यहाँ पर घर में टेप या टीवी की आवाज अत्यधिक बढ़ने पर घर के बर्तन क्या होते हैं? हिलते हैं। देखिए जब कभी भी बहुत ज्यादा तेज, ये चीज आपने अनुभव की होगी कि जब बहुत ज्यादा आवाज या फिर बाहर बैंड वगैरह बज रहा हो तो ऐसे कंपन होता है, छोटे छोटे जो सामान है उनमें वाइब्रेशन महसूस करते हैं, देखा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? ऊर्जा का प्रभाव। ऊर्जा का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखता है उसके ये सारे उदाहरण उसी से संबंधित हैं। सूर्य प्रकाश में, अगला उदाहरण क्या है? सूर्य प्रकाश में पकड़े हुए उत्तल लेंस की सहायता से कागज पर प्रकाश एकत्र करने पर कागज जलता है। आप लोगों ने ये खेल खेला होगा कि देखिए धूप में लेंस लेकर नीचे माचिस की तीली रखते हैं, उसके ऊपर सूर्य प्रकाश की किरणें जो है केंद्रित होती है कुछ समय। तो यहाँ पर देखिए हम ऊर्जा के प्रभाव को देख रहे हैं कि किस तरह वो कागज जलने लगता है। तो ऊर्जा को परिभाषित कैसे करेंगे बच्चों? कि किसी भी पदार्थ में कि कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी भी पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की जो क्षमता होती है वह ऊर्जा होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि कार्य और ऊर्जा की इकाइयां समान हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि ऊर्जा की भी जो इकाई होगी वह क्या हो गई? जूल हो गई। एसआई प्रणाली में इकाई जूल और सीजीएस प्रणाली में अर्ग। आगे हम लोग देखते हैं। अब ऊर्जा के बारे में तो हमने देख लिया कि ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी पदार्थ के कार्य करने की क्षमता, यह होती है ऊर्जा। अब ऊर्जा के विविध प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो ऊर्जा के बच्चों बहुत भिन्न भिन्न प्रकार हैं। आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा होगा तो मैं बताती हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, फिर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण बेटा सौर ऊर्जा, जो ऊर्जा का कभी ना खत्म होने वाला स्रोत है। सौर ऊर्जा एकदम उत्तम विकल्पीय ऊर्जा के स्रोत में हमारे पास उपलब्ध है। तो इस तरह से ऊर्जा के विविध प्रकार हैं बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो ये हो गया ऊर्जा के विविध प्रकार के बारे में। अब हम लोग इस लेसन में बच्चों हम लोगों ने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। तो अब गतिज ऊर्जा क्या होता है वो देख लें। गतिज यह अपने नाम से ही संबोधित कर रहा है कि जहाँ पर कुछ हलचल होगी, गतिशीलता होगी। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, वो देख लेते हैं पहले कि गतिशील गेंद स्टंप पर टकराए, गतिशील गेंद स्टंप पर टकराए। दूसरा है
के स्ट्राइकर से गोटी को मारा जाए, कंचे खेलते समय कंचा कंचे पर टकराए, कंचा कंचे मतलब वो जो गोलियां होती हैं जो खेलते हैं। तो ये इन सारे उदाहरणों से बच्चों क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी गतिशील पिंड जब स्थिर पिंड से टकराता है तब वह स्थिर पिंड क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता है। देखिए जब गतिशील गेंद स्टंप, देखो बेटा क्रिकेट आप लोग सब देखते हो खेलते हो, स्टंप एक जगह पर क्या होता है, स्थिर होता है। जब उसके ऊपर हम गेंद फेंकते हैं तो वह स्थिर स्टंप जो है वह क्या होते हैं, अपने स्थान से जितना आपने जितना बल लगाकर गेंद को फेंका है उतनी गतिज ऊर्जा जो है वह स्थिर पिंड में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है और स्टंप जो है वह अपनी जगह से हिल जाते हैं। कैरम के स्ट्राइकर से गोटी को मारना, कैरम बोर्ड हम खेलते हैं बच्चों, कैरम का गेम खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्ट्राइकर से बच्चों गोटी को मारकर होल में डाला जाता है। तो वहां पर जो गोटियां अपनी जगह पर स्थिर हैं कैरम बोर्ड पर, तो वहां पर वह स्थिर गोटी को जब स्ट्राइकर से मारा जाता है तो स्थिर गोटी क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है और आप जैसा निशाना साधते हो वह गोटी उसी हिसाब से क्या हो जाती है, होल में जाती है। सॉरी कंचे खेलते समय कंचा कंचे पर टकराए, तो वहां पर क्या होता है कि गोटियां जो है वह क्या हो जाती हैं, एक गोटी स्थिर होती है उसके ऊपर हम निशाना साधते हैं लगाते हैं तो जो स्थिर कंचा होता है वह क्या हो जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है। तो इन सारे उदाहरणों में हम लोगों ने बच्चों क्या देखा कि हर स्थिर पिंड जो है जब उससे कोई गतिशील पिंड टकराता है तो वह स्थिर पिंड क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता है। पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण पदार्थ को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह गतिज ऊर्जा होती है। किसी बल द्वारा किसी पिंड को S दूरी से विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य ही उस पिंड की क्या होती है बच्चों, गतिज ऊर्जा। किसी पिंड पर बच्चों हम कोई भी बल लगाते हैं और S दूरी तक मान लीजिए उसको क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, तो आपने जितना बल लगाया जितना कार्य हुआ है वही उस पिंड की क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का बच्चों गणितीय समीकरण क्या है, गतिज ऊर्जा का गति समीकरण है के ई, गतिज ऊर्जा मतलब के ई का फुल फॉर्म है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का अर्थ है गतिज, एनर्जी मतलब ऊर्जा, एफ गुणे एस बल, ये बल गुणे क्या है, यह विस्थापन, ठीक है, क्योंकि यह कार्य के बराबर है ना और कार्य की परिभाषा हमने देखी है क्या है कि हम कितना बल लगाते हैं और विस्थापन होता है। तो इस तरह से ये हो गया गतिज ऊर्जा के बारे में। अब आगे हम लोग देखेंगे पिंड द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा अर्थात उस पिंड पर किया गया कार्य होता है। किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा जो होती है बच्चों, अभी हमने देखा कि वह उस पिंड का क्या होता है, कार्य, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र है वह हम लोगों को इसके ऊपर बेटा हमने पूरा समीकरण देखा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यह जो हम लोगों को मिलता है लास्ट में समीकरण अंत में, यह जो सूत्र है यह बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट काइनेटिक, क्योंकि इस पर ही आधारित प्रश्न आते हैं बच्चों परीक्षा में, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं इस पे इसके ऊपर आधारित एक उदाहरण। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पहला जो उदाहरण है बच्चों क्या है कि 250 ग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 2 मीटर प्रति सेकेंड वेग से ऊंचाई से नीचे गिरता हो, तो उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड होगी, उसी समय उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी। तो पहले बेटा किसी भी गणितीय सवाल को हल करने से पहले आपको प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना है कि उसमें क्या क्या वैल्यू दिया गया है, फिर उसको हमको जो दिया गया है प्रश्न में बच्चों उसको पहले हम लोगों को लिखना है।
द्रव्यमान, द्रव्यमान को बच्चों देखो हम लोग स्मॉल एम के द्वारा दर्शाते हैं, मास, एम का मतलब होता है मास, मास मतलब द्रव्यमान। तो पत्थर का द्रव्यमान वजन कितना है बच्चों, 250 ग्राम। अब ये जो है यह सीजीएस प्रणाली में है, तो यहाँ पर और एक बात बच्चों इम्पोर्टेंट कि कोई भी सवाल हम लोग जब हल करते हैं तो सभी जितने भी राशियां दी गई हैं उनकी उनका जो इकाई है बच्चों वह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सारी सारी जो इकाई है सारी राशियों की, मतलब यहाँ कौन कौन सी राशि है, द्रव्यमान है, यहाँ पे वेग है, ठीक है, तो वह एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम, सीजीएस तो सीजीएस। तो यहाँ पर देखिए अभी वेग की जो इकाई 2 मीटर प्रति सेकंड, अभी ये एसआई सिस्टम है, तो हम लोग, और ये 250 ग्राम या सीजीएस प्रणाली में है, तो इस ग्राम को हम लोग को बेटा क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो ग्राम से किलोग्राम में परिवर्तित कैसे करते हैं, हमको 250 बटे क्या करना है बेटा, 1000 करना। तो क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। और आप सभी को पता है कि जब अगर आपके पास हर में 0 वाली संख्या है, मतलब 100 है, 10 है, 100 है, 1000 है, तो जितना 0 है बेटा उसके अंश में उतने अंक के पहले आपको क्या कर देना है, दशमलव लगा देना है। तो ये हो गया सिंपल 0.25 किलोग्राम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वेग जो है वह कितना दिया है, वेलोसिटी 2 मीटर प्रति सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र अभी हमने यहाँ पे देखा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv². अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो वैल्यूज दिया गया है वह इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो 1/2 × m का वैल्यू 0.25 गुणे वी का वर्ग है, तो इसलिए 2 का वर्ग आ गया। और इसको जब हम बच्चों हम लोग हल करेंगे तब क्या देखेंगे कि 1/2 × 0.2 का वर्ग कितना होता है, 4, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अभी यहाँ पे फिर देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, ये हो गया पॉइंट, ये दशमलव को आप साइड में रखिए कि, तो 25 है, ये 25 × 2 कितना हो गया, 50 हो गया, और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो पीछे से हम लोग यहाँ कर क्या करेंगे, 2 अंक के पहले क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, तो ये हो गया 0.50। आप सभी को पता है कि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए 0 चला जाएगा और हमको उत्तर मिला फाइनली 0.5 जूल। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को गणितीय सवाल परीक्षा में दो दो नंबर के लिए आते हैं, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे अपने बढ़ते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, नाम से पता लगे, जो पिंड बच्चों स्थिर होते हैं, मतलब किसी पिंड को उसके स्थिर अवस्था के कारण या फिर उसकी विशिष्ट स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें जो ऊर्जा समाविष्ट होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण बेटा, टेबल पर रखी हुई बुक, मतलब जो भी जो है वह क्या होता है, वह पिंड जो है, जो कोई भी पिंड उसको हम कहते हैं कि उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा संचित है। पंखा देखिए, स्विच ऑन नहीं करते तब तक पंखा जो है, पंखे की पत्तियां अपनी जगह पर क्या होती हैं, स्थिर होती हैं, तब हम कहते हैं कि जो पंखा चल नहीं रहा है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा संचित। जैसे ही हम क्या करते हैं, बल लगाना, मतलब जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है तो पंखा जो है, पंखे की पत्तियां गोल गोल घूमने लगती हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो गया है। तो हम लोग पहले इसका गणितीय रूप देख लेते हैं बेटा। तो कार्य की परिभाषा देखिए यहाँ पे, अब इसका सूत्र कैसे निकलता है कि एम द्रव्यमान का पिंड जो है पृथ्वी के पृष्ठ भाग से एच ऊंचाई पर लेके जाने के लिए mg, कोई भी पिंड है उसको कुछ हाइट पर लेके जाना है तो इस बल का उपयोग किया जाता है। एम मतलब द्रव्यमान और जी क्या है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल का स्थिरांक है ये जी।
तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ता है। इसलिए तो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कार्य का परिभाषा हम लोग को पता है बल गुणे विस्थापन, तो कार्य बराबर एम जी गुणे एच, तो डब्ल्यू जो हो गया वह क्या हो गया एम जी एच हो गया। तो विस्थापन के कारण पिंड में समाविष्ट जो स्थितिज ऊर्जा है वह क्या है एम जी एच, ये हमारे पास इसका ये सूत्र है। ये बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे इस पर ही आधारित क्या आते हैं प्रश्न आते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं बेटा। तो स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र है, स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा दर्शाते हैं। तो पी बराबर हो गया बेटा एम जी एच, ठीक है। एम मतलब द्रव्यमान, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का स्थिरांक, और एच जो होता है वो ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न देख लेते हैं। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि उसमें क्या दिया हुआ है। 10 मीटर ऊंची इमारत की टंकी में 500 किलोग्राम द्रव्यमान का पानी संग्रहित किया गया है, तो पानी में समाविष्ट स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है कि 10 मीटर ऊंची, मतलब ऊंचाई मतलब यहाँ हाइट दी गई है, तो जो हो गई 10 मीटर, द्रव्यमान कितना है बेटा 500 किलोग्राम, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। एकदम सिंपल, जो जो दिया गया है पहले प्रश्न में हम लोग वो लिख लेंगे। हाइट 10 मीटर, टंकी का जो द्रव्यमान है वह 500 किलोग्राम हो गया, और गुरुत्वाकर्षण बल का स्थिरांक बेटा ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये कभी बदलती नहीं, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखिए कि जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सूत्र अभी देखा हम लोगों ने, वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। एम की जगह क्या आ गया 500 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ इधर पे एम का वैल्यू 500, जी 9.8 और एच का वैल्यू 10, ठीक है ये 10 है हाँ। तो फिर सिंपल क्या करना है, हम लोग इसको गुणा करेंगे, 0 0 ये 3 0 हो गया, 9.8 का 5 करेंगे तो बेटा क्या आएगा 49, और फाइनली दशमलव लगा के जो फाइनल हमको मिला है होता है 49,000 जूल। देखिए ऊर्जा की इकाई जो है वह क्या होती है बच्चों, जूल होती है। इस तरह से 10 मीटर ऊंची इमारत की टंकी में 500 किलोग्राम पानी स्टोर किया गया है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा संचित है बच्चों, 49,000 जूल, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का स्थितिज ऊर्जा पर आधारित प्रश्न। अब आगे देखते हैं, ऊर्जा की अविनाशिता का नियम बच्चों। और एक बात ध्यान में रखिए कि देखिए ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा रूपांतरण की ऊर्जा जो है, अभी हम लोगों ने देखा कि पानी, जैसे कि पंखा बंद है, मैंने आप लोग को दिखा दिया था, बटन हम स्विच ऑन करते हैं तो फिर वह गतिशील हो जाता है, तो बंद पंखे में स्थितिज ऊर्जा संचित है, और जब स्विच ऑन किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो जाता है, गतिज ऊर्जा में हो जाता है। तो इस तरह से हमको समझ में आता है कि बेटा ऊर्जा का जो है, एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अब आगे जो है ऊर्जा की अविनाशिता का नियम बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट ध्यान में रखिए कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे प्रकार की ऊर्जा में किया जा सकता है। समझिए बच्चों, देखो ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण हम दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे बल्ब देखिए घर में हम लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, देखिए बल्ब को, बंद बल्ब को हमने स्विच ऑन करके क्या सप्लाई की, विद्युत ऊर्जा दी, ठीक है। अब उस विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण बल्ब क्या हो जाता है, जल उठता है, तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो गया, प्रकाशीय ऊर्जा में हो गया।
तो ये हम लोग एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे प्रकार की ऊर्जा में यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे असंख्य उदाहरण है बच्चों, वेग से जाने वाली मोटर, वाष्प के कारण बजने वाली कुकर की सीटी, दिवाली में बजने वाले पटाखे। बच्चों देखो पटाखों में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, ठीक है, विस्फोटक होते हैं उसमें, लेकिन जब उसको हम जलाते हैं तो क्या प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा में इसका जब पटाखे फूटते हैं बेटा तो देखिए प्रकाश भी उत्पन्न होता है और ध्वनि भी निर्मित होती है। तो इस तरह से ऊर्जा रूपांतरण हम लोग देखते हैं। विद्युत ऊर्जा के द्वारा पानी गर्म करना, इलेक्ट्रिक हीटर होता है बेटा, उससे आराम से निर्माण करते हैं, इस्त्री, मतलब घर में जलने वाले जितने भी बेटा विद्युत उपकरण है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। तो ये हो गया बच्चों ऊर्जा की अविनाशिता का नियम, कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण हम दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कर सकते हैं। और विश्व की जो संपूर्ण ऊर्जा का जो प्रमाण है बच्चों, वह हमेशा स्थिर होता है, अचर होता है, वह कभी बदलता नहीं है। अगला टॉपिक है मुक्त पतन। मुक्त पतन का क्या अर्थ है बच्चों, की देखो कोई भी किसी भी पिंड को हम ऊपर फेंकते हैं, उदाहरण के तौर पे बॉल, बॉल को जब हम ऊपर उछालते हैं तब क्या होता है कि बॉल ऊपर हवा में क्या तैरते रहती है, जी नहीं, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत होता है बेटा। किसी भी पिंड को हम ऊंचाई से छोड़ते हैं तो वह पिंड अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आता है, और इसी क्रिया को बच्चों मुक्त पतन कहा जाता है, कि किसी भी पिंड को ऊंचाई से छोड़ने पर वह पिंड केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आता है, और इसी क्रिया को हम मुक्त पतन कहते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शक्ति बेटा। शक्ति को अब हम कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर पिता और पुत्र हैं, इनमें पिता और पुत्र को बच्चों टास्क दिया गया कि 10 महले क्या जाना है, सीढ़ियां चढ़कर जाना है, किसी इमारत में बहुमंजिला इमारत में 10 महले उनको ऊपर सीढ़ी चढ़कर जाना है, तो कौन पहले चढ़ेगा, सीधी सी बात है पुत्र चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो वृद्ध है, और इसको हम कैसे कह सकते हैं कि पुत्र के पास, पुत्र ने अपना कार्य क्या किया, शीघ्रता से किया, पुत्र भी जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर 10 मंजिल इमारत पर पहुंच गया, तो पुत्र के जो कार्य करने की जो दर थी वह क्या थी, पिता से अधिक थी। एक और उदाहरण, राष्ट्रीय यश और रणजीत नामक 3 बच्चे हैं बच्चों, इनको पहाड़ी पर जाना है, ठीक है, एक और जो दूरी है वह क्या है, समान है, लेकिन तीनों जन के जाने के का जो साधन है वो अलग अलग है। राष्ट्रीय कैसे जाएगा, यह मोटर से जाएगा, राष्ट्रीय जो है यह क्या है, मोटर से, यश साइकिल से, और रणजीत जो जा रहा है वो बेटा वो पैदल जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो मोटर वाला लड़का है मतलब राष्ट्रीय, वह पहले पहुंच जाएगा, साइकिल वाला उसके बाद, और पैदल चलने वाला उसको बहुत ज्यादा अधिक समय लगेगा, ठीक है। और एक उदाहरण देखते हैं फिर इसके बारे में हम इलैबोरेट करेंगे। यहाँ पे बच्चों देखो 2 धावक हैं ए और बी, दो, और उनको 100 मीटर की दूरी तय करनी है, दूरी समान है, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं कि बी जो है ए, यहाँ पे ए जो धावक है बच्चों, यह 20 मीटर प्रति सेकंड की दूरी से दौड़ रहा है, और बी जो है वह 25 मीटर प्रति सेकंड की दूरी से, तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा, जिसकी स्पीड अधिक होगी, जो ज्यादा तेजी से जाएगा। तो अगले स्लाइड में देखते हैं कि यहाँ पर अपना काम जल्दी जल्दी से दौड़ रहा है, इसलिए बी क्या किया, वह जल्दी से पहुंच गया। तो शक्ति को बच्चों हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इन ये जो पीछे हमने 3 उदाहरण देखे इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि शक्ति जो है, देखिए हर उदाहरण में जो किया गया कार्य है वो समान है, परंतु कार्य करने के लिए सबकी अवधि जो है वह क्या है, भिन्न भिन्न है, सबको
उस काम को, क्योंकि काम जो टास्क दिया गया था वह सबके लिए सेम था, लेकिन सभी को वो काम पूरा करने के लिए लगने वाला जो समय है वह भिन्न भिन्न है। तो इसलिए बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि कार्य को जल्दी या फिर स्लो खत्म करने का जो प्रमाण है उसको ही हम शक्ति के द्वारा व्यक्त करते हैं। जिसने जितना जल्दी काम खत्म किया उसके पास अधिक शक्ति है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि तो शक्ति को कैसे परिभाषित करेंगे, तो कार्य करने की दर अंतरण की दर क्या है, शक्ति को हम कैसे परिभाषित करते हैं बच्चों? कार्य करने की दर, कार्य करने की जो दर है वह शक्ति कहलाती है। और दूसरी भाषा में काम कोई भी कार्य शीघ्रता से हो रहा है या फिर मंद गति से हो रहा है उसको भी हम शक्ति के द्वारा बताते हैं। शक्ति का गणितीय सूत्र बच्चों, शक्ति को कैसे दर्शाया जाता है? तो शक्ति का गणितीय स्वरूप है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति को कैपिटल पी के द्वारा दर्शाया जाता है। पी क्या है बेटा? पावर। पी क्या है? यह पावर है। और डब्ल्यू मतलब आप सभी को पता है वर्क। और टी क्या हो गया? समय। टी मतलब टाइम, टी का क्या अर्थ है? टाइम। तो इस तरह आपके ये इस गणितीय सूत्र का हर एक इसका टर्म का फुल फॉर्म है जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो पी बराबर क्या हो गया? पावर। और डब्ल्यू बटे टी कार्य बटे समय। आगे चलते हैं, अंतरक जो होता है बच्चों वह वॉट होता है। यह इंपॉर्टेंट है कि देखिए यहाँ पर कार्य शक्ति क्या है? P बराबर W बटे T। तो अभी कार्य की इकाई क्या होती है बच्चों? काम की इकाई जो होती है वो होती है कार्य की जूल, और समय की सेकंड। तो जूल पर सेकंड को ही हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? वॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। तो शक्ति की जो इकाई है बच्चों मात्रक, उसको हम वॉट के द्वारा दर्शाते हैं जिसे W से व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई वॉट है। अगर कोई पूछे वॉट मतलब क्या होता है तो जूल पर सेकंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऊर्जा का जो है, देखिए ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। क्या है बच्चों? किलोवाट घंटा है। यह ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। आगे चलते हैं। अभी औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति को कैसे नापा जाता है? तो शक्ति को नापने औद्योगिक क्षेत्र में बच्चों को, क्योंकि इंडस्ट्रीज में देखिए बड़े बड़े मोटर जो होते हैं और वहां पर विद्युत का लगने वाला प्रमाण भी बहुत अधिक होता है और ऊर्जा भी बहुत प्रचंड मात्रा में निर्मित होती है, तो उसको हम वॉट जो है यह छोटी इकाई है। तो औद्योगिक बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में ऊर्जा को शक्ति को नापने के लिए फिर बड़ी यूनिट की आवश्यकता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति को नापने के लिए बच्चों अश्व शक्ति इस इकाई का उपयोग किया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अश्व शक्ति कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति जो होता है बच्चों वह होता है 746 वाट। यह कितना होता है? 746 वाट होता है। फिर आगे 1 किलोवाट घंटा क्या है? 1 किलोवाट घंटा वह ऊर्जा है जो 1000 जूल प्रति सेकंड की दर से क्या करती है? 1 घंटे में उपयोग की जाती है। अभी 1 किलो का मतलब क्या हो गया बेटा? किलो मतलब 1000। ठीक है, वॉट मतलब जूल, जूल प्रति सेकंड। तो 1000 जूल प्रति सेकंड की दर से और घंटा मतलब 1 घंटा। तो 1000 घंटा से जानते हैं। तो 1 किलो वॉट आर को अब हमको गणितीय रूप में अगर दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे? 1 किलो वॉट घंटा बराबर इसको अलग अलग कर लिखते हैं, 1 किलो वॉट गुणे 1 घंटा। ठीक है, तो अब 1 किलो वॉट मतलब कितना? 1000 वॉट। और 1 घंटा, 1 घंटे में बच्चों कितना सेकंड होता है? 1 घंटे में
3600 सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ पे फिर से गुणा कर लिया तो कितना आ गया, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर बच्चों कितना होता है, 36 लाख जूल। कितना, अगर हम इसको जूल में, 1 किलोवाट घंटे को हम जूल में परिवर्तित कर रहे हैं तो बच्चों 36 लाख जूल मिलता है। और इसको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, दशमलव के रूप में अभी इतना जीरो लिखेंगे, उसको हम लोगों ने क्या किया है, 10 के घाते 6 के रूप में लिखा है। तो 3.6 × 10^6 जूल, ये आप लोगों को जोड़िया मिलाओ या फिर रिक्त स्थान में बेटा पूछा जाता है, या सत्य सत्य में भी, कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10^6 जूल होता है क्या, इसको ध्यान में रखिए, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आगे शक्ति पर आधारित बेटा प्रश्न कि यहाँ पर देखिए स्वराली है जिसको 20 किलो वजन की बैग क्या करनी है, 5 मीटर ऊंचाई पर लेकर जाना है, और जिसके लिए क्या ले रहे हैं, 40 सेकंड ले रहे हैं, तो उसको उसकी शक्ति कितनी होगी हमको ये ज्ञात करना है। तो पहले तो प्रश्न को समझना बेटा, गणितीय सवाल को पहले हमको ठीक से पढ़ना है, समझना है कि उसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या करके फिर उसके बाद क्या स्टेप्स लेने हैं। तो 20 किलो वजन की बैग को 5 मीटर ऊंचाई तक लेकर जाना है तो क्या करना है, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं कि वो स्वराली कितना बल लगा रही है बेटा। शक्ति निकालने के लिए पहले तो वह हम लोग को क्या करना होगा कि स्वराली के द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है। तो जो पहले तो प्रश्न में जो जो दिया गया है वो हम लोग उतार लेंगे, बैग का जो द्रव्यमान है 20 किलोग्राम हो गया, ऊंचाई 5 मीटर, टाइम 40 सेकंड, लगाया गया बल, बल का सूत्र बच्चों ये है एफ बराबर एम जी, एम की जगह 20 लिख लिया, जी का मान बताया आप लोगों की 9.8, यह गुरुत्वाकर्षण बल का स्थिरांक है जो कभी बदलता नहीं है, तो एफ बराबर 196 न्यूटन। तो ये इतना बल स्वराली ने लगाया। अब इतना बल लगाया तो कार्य कितना हुआ ये हमको निकालना है, क्यों, क्योंकि शक्ति का जो सूत्र है वो क्या है, पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। तो इसके लिए हम लोग को अभी यहाँ पे कार्य भी निकालना है, तो कार्य का जो सूत्र है वो क्या है बेटा, एफ गुणे एस, फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट। तो वैल्यू पुट अप कर लेंगे, बल का मान कितना आया 196, तो 196 × 5 बराबर 980 जूल, तो शक्ति बराबर W बटे टी, ये हो गया है, यहाँ पे हम लोग को W मिल गया। तो अब शक्ति का सूत्र लिखा और फिर उसके बाद वैल्यू पुट अप कर दिए और हल किया, तो हमको 24.5 वॉट इतनी शक्ति स्वराली के पास है, 20 किलो वजन बैग को 5 मीटर ऊंचाई पर लेके जाने के लिए 40 सेकंड में जब वो लेकर जाती है तो उसके पास 24.5 वॉट शक्ति है। तो इस तरह से यह सवाल है। आगे अगेन दूसरा उदाहरण बच्चों देख लो, 25 वॉट का एक बल्ब हर दिन 10 घंटे तक उपयोग में लाया जाता है, तो एक दिन के लिए कितनी विद्युत का उपयोग किया जाता है, क्या प्रश्न है कि 25 वॉट, वॉट मतलब यहाँ पे हमको शक्ति का वैल्यू दिया गया है, पी का वैल्यू दिया गया है, तो पी बराबर कितना दिया है, 25 वॉट। और लेकिन समय देखिए, समय जो है यह क्या है, यह घंटे के रूप में है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वॉट को भी क्या करना पड़ेगा, किलो वॉट में परिवर्तित करना पड़ेगा। सबको बताया 25/1000, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर, 0.025, ऐसे करोगे तो इस तरह से ऊर्जा का जो सूत्र बेटा क्या है वो, शक्ति गुणे समय कर लिया, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। तो ऊर्जा कितनी आ गई, 0.25 किलोवाट घंटा, ठीक है, 0.25 किलोवाट घंटा यह जो है इतनी विद्युत का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब कुछ प्रश्न है जितना हम लोगों ने देखा, इसमें देखिए क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए पर्यायों में से एक या अनेक अचूक पर्याय चुनिए। क्या बोला गया, एक या अनेक, मतलब इसका अर्थ क्या है कि इसमें एक से ज्यादा सही जवाब है इसमें, तो कार्य करने के लिए ऊर्जा को डैश होना पड़ता है। अपने पास ऑप्शन क्या क्या है, स्थानांतरित, अभिसारित, रूपांतरित, नष्ट। तो देखिए कार्य करने के लिए पहले तो ऊर्जा को रूपांतरित होना पड़ता है और स्थानांतरित भी होना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, हम लोगों ने स्थानांतरण देखा है। तो इस तरह से जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा बेटा, स्थानांतरित होना पड़ता है और रूपांतरित होना पड़ता है,
फिर अगला क्या प्रश्न है, ये जूल डैश की इकाई है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जूल जो है वह किसकी इकाई है, वह कार्य की भी इकाई है बल की नहीं है, और कार्य की है शक्ति की नहीं है, शक्ति की इकाई क्या है वॉट है। तो उसके बाद ऊर्जा देखा हम लोगों ने कि ऊर्जा की इकाई जो है वह क्या है, जूल है। फिर तीसरा प्रश्न बच्चों, किसी भारी पिंड को क्षैतिज के समांतर, किसी भारी पिंड को क्षैतिज के समांतर दिशा में चिकने पृष्ठभाग पर खींचते समय डैश बल के परिणाम परिमाण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो क्या यहाँ ऑप्शन है बेटा, क्षैतिज समांतर दिशा में प्रयुक्त किया गया बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ऊर्ध्वगामी दिशा में रहने वाला प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल। तो देखो बेटा, किसी भी पिंड को हम क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टली चिकने पृष्ठभाग पर खींच रहे हैं, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल और ऊर्ध्वगामी दिशा में रहने वाला प्रतिक्रिया बल, यह दोनों क्या होंगे, समान। अगला, शक्ति का क्या अर्थ है, शक्ति का अर्थ क्या है, कार्य जल्दी होने का माप, कार्य के लिए लगने वाली ऊर्जा का माप, कार्य मंद होने का माप, तो समय का माप। तो अभी हम लोगों ने देखा बेटा कि शक्ति जो है वह किसी भी कार्य को जल्दी होने का माप है या फिर मंद स्लो होने का माप है, यह मापदंड। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु को उठाते समय या खींचते समय ऋण कार्य डैश बल के कारण होता है। किसी भी वस्तु को हम उठा रहे हैं या खींच रहे हैं तो उसके कारण ऋण कार्य कैसे हो रहा है, प्रयुक्त किया गया बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल। प्रयुक्त किए गए बल के कारण ऋण कार्य नहीं होता, जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऋण कार्य होता है और घर्षण बल के कारण होता है। तो इसका उत्तर ये हुआ। थैंक यू। इस तरह से बच्चों अपना पाठ दूसरा जो खत्म।